और क्या हाल चाल है भाई लोगों, तो आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो पे। और आज के गेम प्ले वीडियो में भाई फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगी तुम लोगों को। आज जो लास्ट जोन की फाइट है वो तो और भी ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि हम आखिर जोन तक इधर ही रहते हैं जॉर्ज पुल के अंदर। जब जॉर्ज पुल से निकलेंगे भाई तुम्हें देखना फाइट कितनी ज़्यादा इंटेंस रहेगी। तो अब बात करते हैं गेम प्ले के, तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में भाई वेब शूटर देखने को मिल जाता है। अगर तुम लोगों के पास वेब शूटर स्टार्टिंग में मिल जाता है तो तुम्हें भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है बंदों से फाइट लेने के लिए। तो मैं भी निकल जाता हूँ बंदों के पास फाइट लेने, क्योंकि मेरे पास एमओ भी थी, हेल्थ भी थी, सब कुछ था मेरे पास, बस हेलमेट नहीं था। और वो भी रास्ते में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, वरना बंदों की पीटी बनाने चलते हैं। तो जैसे तैसे करके याली स्क्वाड को मैं फिनिश करता हूँ। इसका लास्ट बंदा पता नहीं किधर है, तो यहाँ पे मेरा एमओ की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। अब देखो भाई एमओ मेरे पास होती नहीं है, तो यहाँ पे बंदों की पेटी से लूटता हूँ, पर इनकी पेटी में भी कुछ खास लूट होती नहीं है। माना कि भाई ड्रॉप हमने नहीं मंगाया था, पर ऐसा थोड़ा कि भाई ड्रॉप हमारे सामने लूट जाओगे और हम देखते रहेंगे। तो इस बंदे की लगे हाथ पेटी बनाता हूँ और ड्रॉप में देखता हूँ क्या है। और ड्रॉप के अंदर आती है ओम। तो ओम यूजुअली मैं गेम प्ले के अंदर यूज़ करता नहीं, पर आज पता नहीं क्या दिमाग में ख्याल आता है कि मैं ग्रोजा मतलब ओम उठा लेता हूँ, वरना मैं ग्रोजा उठाता हूँ जाते। तो सामने इस बंदे को फिनिश करने के बाद जाता अपने टीममेट को रिवाइव देने। अब इतने में एक स्क्वाड सामने स्क्वाड हाउस में आ जाती है, क्योंकि स्क्वाड हाउस के पास रिकॉइल वाला होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वाडें आती है, बैक टू बैक तुम्हें स्क्वाडें देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं यहाँ पे मुझे एक बॉट का साउंड आता है, साउंड तो नहीं आता मतलब दूर तक दिखता है, तो यहाँ पर उससे फिनिश करते हैं। उसके बाद भाई देखना बंदे का गेम काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वाड हाउस है वहाँ से भी फायर आएंगे और जो ब्रिज है लेफ्ट साइड वहाँ से भी कुछ बंदे कैम्प कर रहे होते हैं, तो फाइट काफ़ी इंटेंस होने वाली होती है इसके बाद। एक नंबर आ जाओ। कहां से मारा समझ में नहीं आया। तो लिटरली इस बंदे ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करा, बहुत देर से भाई एम करने को दे ही नहीं रहा था। अब नॉक होने के बाद भी वो भाई पत्थर के पीछे होता है, मैं ज़्यादा देर वेट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मेरे टीममेट कॉल देते हैं कि पीछे तरफ से एक स्क्वाड और आ चुकी है। तो इतने में मेरे साथ मतलब जितने टीममेट थे वो सब नॉक हो चुके हैं। अब एक बंदा बचा था भाई, वो भी नॉक हो जाता है यहाँ पर। अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी अपने टीममेट को बचाने की। तो जैसे मैं इसे नॉक करता हूँ तो यहाँ पर और बंदे इसके टीममेट बिल्कुल नहीं होते। तो जैसे इसे फिनिश करता हूँ यहाँ पे मेरा टीममेट भी उतने तक रिवाइव देने जाता, वो भी फिनिश हो जाता। तो अब मैं आता तो अपने टीममेट को मतलब अपने जितने भी टीममेट थे उन सबको रिकॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब रिकॉल है भाई, रिकॉल रिकॉल है जो भी है। तो यहाँ पे उसके बाद देखना एक स्क्वाड आ जाती है अब कंटेनर के साइड। तो सीन ऐसा होता है कि मैं जितने टीममेट होते हैं उन सबको रिकॉल करता हूँ,
तो एक मेरा टीममेट उतरता है सीधे कंटेनर के पास, और कंटेनर के पास वहां पे पूरी स्क्वाड होती है। तो मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, और मुझे लगा भी था कि वहाँ एक ही बंदा होगा। जब मैं वहाँ जाता हूँ भाई, देखना कितने बंदे कितना निकलते नंबर हैं। बोल रहे हो ब्रो? कितना मार्क द लोकेशन। वॉच आउट। मार्क द लोकेशन। अब बचा लास्ट बंदा, तो लास्ट बंदे का भी साउंड आता है पीछे की तरफ से, तो लग गया याले स्क्वाड भी हो जाती है फिनिश। इसी के साथ साथ अपने टीममेट को बचाता हूँ और अपने टीममेट को देता हूँ रिवाइव। तो रिवाइव मिलते जिस जगह से मैं आया था स्क्वाड हाउस की तरफ से, उस साइड मेरा एक टीममेट होता है, और भाई देखना वो टीममेट भी भाई फिनिश हो जाएगा क्योंकि स्क्वाड हाउस के अंदर आ जाती है पूरी स्क्वाड। अब वो स्क्वाड देखना भाई लिटरली काफ़ी अच्छा खेल रही होती है। तो यहाँ पे एटैक स्कोप की सेंसिटिविटी भाई यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही होती है, तो मैं सेंसिटिविटी जैसे सेट करता हूँ उतने में मेरा टीममेट एक हो जाता है वहां पे फिनिश। तो इतने में मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, और लगे हाथ इस बंदे को फिनिश करने की जैसे कोशिश करता हूँ वो बंदा पहुंच जाता है कवर पे। तो इतने में जिस बाइक से मैं आया था मैं वहीं पे बाइक के पास जाता हूँ, इतने में वो बंदा कर देता है मेरे को फायर। अब तुम लोग बताओ तो भाई तुम्हें ये नॉक कैसा लगा? लिटरली ये नॉक उस बंदे को भी काफ़ी तगड़ा लगा हो, क्योंकि वो ऊपर से जंप कर रहा था और उसी जंप में ओम का शॉट पड़ जाता है उस बंदे को। तो भाई किस्मत इतनी बेकार होती है कि भाई मुझे गाड़ी वाड़ी कुछ मिलती नहीं है, जो भी यहाँ पे बाइक थी उसका टायर फोड़ देता है उन बंदों ने। अब वो बंदे भी भाई जोन की तरफ भाग जाते हैं, और जैसे तैसे करके मैं और मेरा टीममेट यहाँ से निकलते हैं, और जैसे हम भी जोन की तरफ जाते हैं भाई देखना सामने कितनी स्क्वाडें दिखती है। एक स्क्वाड पीछे से हमें डैमेज देती है, और जहाँ हम कूदते हैं वहाँ भी एक स्क्वाड देखने को मिल जाती है। जैसे तैसे बच बचा के भाई हम जाते हैं शूटिंग रेंज, मतलब जहाँ भी जा रहे थे वहाँ बंदे। अब शूटिंग रेंज में आते हैं, शूटिंग रेंज में भी हमें गाड़ी देखने को मिल जाती है। जब हम जोन देखते हैं जोन बहुत छोटा हो चुका है और प्लेयर है 23, तो हम समझ गए भाई हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमें बंदे देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास ओम थे, सामने कुछ बंदे लेटे हुए थे कवर में, तो जैसे एक बंदे को नॉक करता हूँ और ऐसे टीममेट को भी भाई ओम का एक शॉट पड़ता है, पर वो पहुंच जाता है कवर पे। तो ये एंगल काफी बेकार था क्योंकि हमारे पीछे से भी स्क्वाड आ सकते थे, तो हम रोटेशन मारते उन बंदों के क्लोज। ये बंदे को लिटरली आइडिया था नहीं कि ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, मैं इसे स्पॉट कर लिया, और जैसे स्पॉट करता हूँ लगे हाथ फिनिश करता हूँ। अब उन बंदों को भी मेरी लोकेशन पता है सामने वालों की, तो लगे हाथ एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। लिटरली भाई यहाँ पे अगर मैं 2-3 सेकेंड लेट होता तो जोन भी चल जाता, और मेरी HP भी कम होती, और सामने वाला बंदा तो नॉक होता ही होता, उसके साथ साथ मैं भी नॉक हो जाता जोन का डैमेज लेके। तो इतने में मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई तू आ जाना यहाँ पे जय वीरू से, और मैं जाता हूँ डालसिया से, क्योंकि जोन हो चुका है बहुत छोटा और जोन का आएगा बहुत ही ज़्यादा डैमेज।
तो जैसे तैसे बस बचा के, मैं मुझे लगा मैं भाई जोन पे नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरा टीममेट जोन के बाहर ही फिनिश हो जाता है। तो मैं जैसे जोन की तरफ एंटर करता हूँ, देखना भाई गलत से सीन होता है। तो मुझे लगा एक टाइम के लिए भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, और मैं जैसे पहुंचता हूँ भाई मैं कवर की तरफ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे हेल्थ मारनी थी। और सामने देखता हूँ एक बंदा, और बंदा भाई गलत ही टाइम पे स्पॉट करता है मुझे। इसी के साथ साथ वो बंदा भाई हमें फिनिश कर देता है। बट आज का गेम प्ले भाई काफ़ी इंटेंस था। तो अगर तुम्हें जरा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।